अबे बुड्ढे पागल पागल है क्या, रोड पे पड़ा हुआ है, तेरे चक्कर में मैं भी गिर गई। बेटा मुझे माफ कर दो, वो आंखों से दिखाई नहीं देता इसीलिए मैं गिर गया। मेरा मेरा फोन यही कहीं गिरा होगा। बेटा जरा मेरा फोन उठा दोगी, मुझसे मुझसे झुका नहीं जाता। हाँ हाँ कर देती हूँ तेरे पे एहसान। दो करोड़, मेरा तो सर चकरा रहा है। इस बुड्ढे के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए क्रेडिट हुए हैं। अरे यार एक झाड़ू लगाने वाले के अकाउंट में इतने सारे पैसे आए कहाँ से? तू ये सब छोड़, ये ना बहुत अच्छा मौका है पैसे कमाने का। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। अबे ओ झाड़ू वाले भिखारी, ये तेरे अकाउंट में 2 करोड़ रुपए कहाँ से आ गए? और वैसे ये पक्का कोई फ्रॉड है, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं बेटा, पुलिस को मत बुलाओ। ठीक है नहीं बुलाते, पर तुझे 2 करोड़ में से 1 करोड़ हमें देना होगा, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे और कहेंगे तू फ्रॉड है। वैसे भी तुझ जैसे भिखारी झाड़ू वाले के पास 2 करोड़ आएंगे भी कहां से? बेटा तुम गलत समझ रहे हो, ये पैसे तो मेरे हैं, और फिर अपने पैसे में तुम्हें क्यों दूं? देखना ये भिखारी कितना लालची है। ठीक है अगर पैसे हमें नहीं मिलेंगे तो पैसे तेरे पास भी नहीं रहने देंगे, हम पुलिस को कॉल करके बुलाते हैं। हेलो इंस्पेक्टर साहब, आप जल्दी से पुराने वाले पेट्रोल पंप के पास आ जाइए, यहाँ एक भिखारी फ्रॉड है जिसके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। हाँ भाई मुझे किसने कॉल किया था, तुम में से कौन है वो? हाँ सर मैंने ही कॉल किया था, ये है वो बुड्ढा जिसने फ्रॉड किया है। ये देखिए इसके अकाउंट में 2 करोड़ क्रेडिट हुए हैं, इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? अरे अंकल आप, नमस्ते अंकल, मैं आपको देख करके धन्य हो गया अंकल। अरे सर आप इस फ्रॉड के साथ इतनी इज्जत से बात क्यों कर रहे हो, कौन है ये? अरे ये बहुत भले इंसान है, इन्होंने गरीबों के लिए क्या कुछ नहीं किया है, बहुत बड़े दिल के इंसान है ये कोई गरीब नहीं है। और शायद आपने इनका मैसेज पूरा नहीं पढ़ा, एक बार पढ़िए। नौ करोड़ रुपए? अंकल आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? हाँ हाँ बेटा ये सारे पैसे मेरे ही हैं। लेकिन इतने पैसे आपने कमाए कहाँ से? बेटा जब मैं 10 साल का था तब से मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया, उस समय मुझे 10,000 रुपए मिलते थे, मैंने पैसे बचा बचा कर उसे म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स बस इनमें लगा दिया, मार्केट में लगा दिया। हालांकि उस समय भी मेरी इनकम इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो कहते ना बेटा कि बूंद बूंद से सागर भरता है, बस बेटा मैंने थोड़ा सा इन्वेस्ट किया और मुझे प्रॉफिट होने लगा, और मैंने बहुत काम किए बिजनेस किए, आज मैं 55-60 का हो गया हूँ और ऐसे ही मेहनत करता चला आ रहा हूँ। क्या सच में अंकल? पर अंकल आपके पास इतने सारे पैसे हैं तो आप यहाँ रोड पे क्या कर रहे हो? आपको तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहिए, आप यहाँ रोड पे झाड़ू लगा रहे हो। बेटा जब से मैंने जिंदगी में काम की शुरुआत की मैं ऐसे ही झाड़ू लगाता चला आ रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे बस ऐसे ही रहना पसंद है। और बेटा मेरी सोच तो यही है कि इंसान को शरीर ढकने के लिए एक जोड़ी कपड़े की आवश्यकता होती है, बस ये फालतू की दिखावेबाजी मुझे पसंद नहीं है। और बेटा मन खुश हो तो सब ठीक है। अंकल प्लीज हमें माफ कर दीजिए, पता नहीं हमने आपको क्या क्या सुना दिया, आपने आज जो हमें सीख दिया ना वो हमें जिंदगी भर याद रहेगी, सॉरी। खुश रहो बेटा,